हमारे चैनल स्टार भजन कीर्तन को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, पुराने कैलेंडर कहां पर लगाएं? वास्तु के हिसाब से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैलेंडर को कहां पर लगाएं और जो पुराने कैलेंडर हैं उनको हटा देना चाहिए और नए साल में नया कैलेंडर लगाना चाहिए, जिससे नए साल में पुराने साल से भी और ज़्यादा शुभ अवसरों की प्राप्ति होती रहे। अगर साल भर अच्छे योग और फायदे चाहते हैं तो घर में कैलेंडर को वास्तु के अनुसार ही लगाएं। कैलेंडर को उत्तर, पश्चिम या पूर्वी दीवार पर ही लगाना चाहिए। हिंसक जानवरों, दुखी चेहरों की तस्वीरों वाला बिल्कुल ना लगाएं। इस प्रकार की तस्वीरें घर में निगेटिव एनर्जी का संचार करती हैं। पूर्व में कैलेंडर अगर आप लगाते हैं तो ये शुभ अवसरों को बढ़ावा देता है। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य हैं, जो लीडरशिप के देवता हैं। इस दिशा में कैलेंडर रखना जीवन में प्रगति लाता है। लाल या गुलाबी रंग के कागज पर उगते सूरज, भगवान आदि की तस्वीरों वाला कैलेंडर हो तो अति शुभ। सुख समृद्धि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। इस दिशा में हरियाली, फव्वारा, नदी, समुद्र, झरने, विवाह आदि की तस्वीरों वाला कैलेंडर इस दिशा में लगाना चाहिए। कैलेंडर पर हरा रंग या सफ़ेद रंग का उपयोग अधिक हो तो अच्छा है, शुभ है। अगर पश्चिम दिशा में आप कैलेंडर कोई भी लगाते हैं तो आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। ये बहाव की दिशा है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से कार्यों में तेजी आती है, कार्य क्षमता भी बढ़ती है। पश्चिम दिशा का जो कोना उत्तर की ओर हो उस कोने की ओर कैलेंडर लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही समय के सूचक हैं। अधिक ठहराव की दिशा में यहाँ समय सूचक वस्तुओं को ना रखें, ये घर के सदस्यों की तरक्की के अवसर को रोकता है। घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। मुख्य दरवाजे से अगर कैलेंडर नज़र आता है तो मुख्य दरवाजे के सामने कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। दरवाजे से गुजरने वाली ऊर्जा प्रभावित होती है, साथ ही तेज हवा चलने से कैलेंडर हिलने से पेज उलट सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। मित्रों, अगर कैलेंडर में संतों, महापुरुषों तथा देवताओं के अगर चित्र हों तो बहुत ही फलदायी, पूर्णदायी माना जाता है। दोस्तों, अगर यह हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।